गेहूं में संकरण कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। उससे पहले एक और वीडियो है कि हाइब्रिडाइजेशन की तकनीक क्या होती है, क्यों जरूरी होता है हाइब्रिडाइजेशन और क्या फायदे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वो एक बार वीडियो देख लेते हैं अपन, है ना। ये भी एनिमेशन का वीडियो है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, है ना, इंग्लिश का वीडियो है। तो अब होता क्या है, किसी भी कंट्री का जो है वो जरूरी होता है कि वहाँ के लोग स्वस्थ हों, है ना। हेल्दी सिटीजन मतलब लोगों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए। अब स्वस्थ रहने के लिए क्या होगा, खाना खाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जरूरी है खाना। अब लेकिन दिक्कत ये है कि खाना कम मात्रा में और पूरे विश्व को जरूरत है खाने की, तो हो क्या पाता है, देखना फूड और डिमांड मतलब खाने की जरूरत इतनी सारी है लेकिन उसकी जो फूड रियल में हो रहा है वो कम हो रहा है। ग्रीन वाला नीचे है ना, मतलब फूड कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है खाने की, क्योंकि पब्लिक ज्यादा है। इसके कारण से क्या हो जाता है, इसके कारण से जो है वो कई लोग जो है वो भुखमरी से मर जाते हैं। देश कई विश्व में जो है वो कई हजारों कंट्रीज, हजारों कंट्रीज तो नहीं, हजारों लोग ऐसे हैं जो कि भुखमरी से मर जाते हैं, उनको खाने नहीं मिल पाता है जिंदा रहने के लिए, है ना, जिसके कारण से वो कुपोषण से जो है वो मर जाते हैं। अपने इंडिया में भी ये हालत जो है वो बहुत बेकार है, कुपोषण की स्थिति। तो यहाँ पर होता क्या है, खेती की जमीन पे क्या हो रहा है, बिल्डिंग बनती जा रही है, लोग बाग के रहने के लिए बिल्डिंग बनती जाती है, जिसके कारण से खेती की जमीन कम होती जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है ना, दोनों ही जरूरी है। फूड कम होता जाएगा तो लोगों को कम क्या मिलेगा, लोगों को खाना कम मिल पाएगा अगर जमीन कम होगी। तो होता क्या है, उतनी जमीन में हमको ज्यादा, उसमें से क्या होती है, जितनी जमीन है उसमें भी पूरी की पूरी जमीन पर जो है हम अनाज नहीं उगा पाते हैं, केवल कुछ जमीन पर ही अनाज उगा पाते हैं। क्यों नहीं उगा पाते हैं, क्योंकि जमीन जो है वो फर्टाइल नहीं होती, या फिर उसमें कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण से जो है वो हम अनाज कम मात्रा में उगा पाते हैं, जिससे जो है वो अनाज उगाने के लिए जो है वो कई लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। तो वो तो सीधी सी बात है, लेकिन अगर हम उतनी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार उगा सके, ज्यादा से ज्यादा गेहूं उगा सके, तो अनाज की मात्रा ज्यादा होगी और जो है वो फसल जो है वो पूरी की पूरी मात्रा में उगे, जितनी हमने उगाई है पूरी की पूरी मात्रा में उगे, तो कितना अच्छा होगा कि अनाज ज्यादा उगेगा उतनी ही जमीन में, जिससे ज्यादा अनाज उग पाएगा तो सब लोग को मिल पाएगा। इसके लिए तकनीक आती है हाइब्रिडाइजेशन की, है ना। कुछ एरिया में पौधे इतने अच्छे होते हैं कि वो कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी ठंड हो जाए, वो उगे रहते हैं, उनको कोई खराबी नहीं होती। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, थोड़ी बहुत भी गर्मी ज्यादा पड़ गई, ये पानी कम मिलेगा तो वो मुरझा जाते हैं, है ना। अब यहाँ क्या करते हैं, हम दो पौधों को जो है वो मिलाकर एक तीसरा नया पौधा बना लेते हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जिसके कारण से क्या होता है, जो नया पौधा बनता है ना उसमें जो है उस दोनों पौधों की क्वालिटीज होती है, जिससे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, पौधों की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इनको रोगों से बचाने के लिए इनकी भी कुछ क्षमता होती है। तो क्या होती है, दो दो गेहूं की प्रजाति को एक बनाकर बनाते हैं, तो नया जो गेहूं बनता है ना वो स्ट्रांग रहता है, फसल जो है वो आसानी से नहीं मरती है ना, उसको जो है वो थोड़ी गर्मी भी सह लेती है, थोड़ी बारिश और ज्यादा बारिश भी सह लेती है, ज्यादा ठंड भी सह लेती है, तो वो बनी रहती है अपनी जगह पर, है ना। इसको इसको बनाना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, दो पौधों को आपस में मिलाकर नया पौधा बनाना कहलाता है संकरण, है ना, इंग्लिश में बोले तो हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कौन कौन सी तकनीक से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण किन किन तकनीकों को किया जाता है। तो कुछ हिस्ट्री बता रहे हैं, तो जो हमारे पुराने 700 बीसी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो इरा के लिए माना जाता है, मतलब समय को दिखाने के लिए कहा जाता है, तो उस टाइम जो है वो उस टाइम से खेती करते आ रहे हैं। लेकिन रुडोल्फ जेकब कैमेरेस ने जो है वो सबसे पहले पौधों के मेल और फीमेल पार्ट की पहचान करी, पुरुष और स्त्री वाले भाग की पहचान करी किसने, रुडोल्फ जेकब कैमेरेस ने, है ना। फिर उसके बाद जो है वो लगातार एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या करा, नया पौधा बनाया, दो पौधों के मिलान से एक नया पौधा बनाया जो कि आपको इधर दिख रहा है ना। नाम थोड़ा सा अजीब से है, डायंथस बारबेटस, डायंथस कैर, इन दोनों के पौधों को मिलाकर एक नए पौधे का निर्माण किया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की तकनीक जो है उन्होंने बनाई। उसके बाद जो है वो वैज्ञानिकों ने उस पर और रिसर्च करी और नई नई तकनीकें जो है वो इजाद करने लगे, और यहाँ पर जो है वो सेब और सेब की प्रजातियां, अंगूर की प्रजातियां, नाशपाती की प्रजातियां जो है वो T.A. Knight ने 1759 और 1835 के बीच में जो है वो सेब और इन लोग की नई नई प्रजातियां बना दी, सेब फलों की, है ना। तो ये T.A. Knight ने, आपको याद रखना है, नई
हुआ था, बस ये याद रखना कि ऐसा कुछ हुआ था। तो धीरे धीरे जो है वो बहुत सारे वैज्ञानिक आते रहे और इस पर जो है वो रिसर्च करते रहे और अपने जो है वो नियम जो है वो बताते रहे। मेंडल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के लिए जो है एक नियम दिया, जो कि 10th क्लास में आप पढ़ोगे। उनके नियम से जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया हाइब्रिडाइजेशन को, कि ये बिल्कुल सही है और ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। उन्होंने प्रूव कर दिया। दो पौधों के डीएनए को आपस में हम रिकनेक्ट करके तीसरा नया पौधा बनाते हैं। इस तीसरे नए पौधे में जो है वो दोनों के गुण मिलते हैं, पहले वाली जो पीढ़ी थी उसके भी गुण, दोनों दोनों पौधों के जो है वो गुण जो है वो मिल जाते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि पहले पौधे में लक्षण दिखाई दे सके, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब इसका और आगे संकरण करवाया जाता है तो इन दोनों के लक्षण जो है वो दिखाई दे जाते हैं। मतलब अगर ये सफेद है और ये पिंक है तो जरूरी नहीं है ये पौधा जो निकले सफेद या पिंक ही निकले, थोड़ा सा जो है वो पिंकिश हो सकता है, मतलब हल्का सा पिंक हो सकता है, हल्का सा व्हाइट हो सकता है, दोनों के गुण रहेगा, दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इसके इन दोनों इस पौधे के जो नए पौधे उगेंगे, इसके बीज से नए पौधे जो उगेंगे, उसमें से पक्के में एक ना एक बीज जो है वो पिंक या व्हाइट रहने वाला है, ये पक्के में होता ही है ना। तो ये डीएनए जो है, जो नए पौधे का डीएनए, इनमें दोनों के डीएनए रहते हैं, ऊपर वाले दोनों पौधों के डीएनए रहते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, है ना। मेंडल ने जो है वो बहुत सारे प्रयोग करे जिसके तहत जो है वो इतने प्रकार की ब्रीडिंग की जाती है। हमको जो है वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में जो है वो दो तरह की, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में जो है वो हम दो फसलों को मिलाते हैं और एक नई फसल का निर्माण करते हैं, है ना। ट्रांजिटिव ब्रीडिंग में जो है वो इतना ज्यादा डीप में जरूरत नहीं है अपन को। हाइब्रिड वेराइटीज जो है वो, यहाँ इसको बोलते, ये जरूरी है, इसको बोलते हैं अंतरा फसलीकरण, है ना। एक ही स्पीसीज में, मतलब जैसे गेहूं का ही पौधा है, ये भी गेहूं का पौधा है, ये भी गेहूं का पौधा है, तो एक ही स्पीसीज है। जब उन दोनों के बीच जो है संकरण करवाया जाता है तो इसको अंतरा फसलीकरण बोला जाता है, अंतरा फसलीकरण। और जो तीसरा नया पौधा बनता है ना, उसमें दोनों के गुण होते हैं, इसका भी गुण होते हैं, इसके भी गुण होते हैं, है ना। और ये जो है वो अच्छी क्वालिटी के साथ पैदा होता है, ये ज्यादा लंबे समय तक टिक पाता है, इसको हम अंतरा फसलीकरण बोलते हैं। एक ही जाति के पौधे के बीच क्या करवाना, हाइब्रिडाइजेशन करवाना। तो यहाँ पर देखो इसको नाम भी दे रहे हैं वो, जैसे नया पौधा जो है उसका नाम TKM9 होगा, तो TKM9 जो है वो TKM7 और IR8 इन दोनों पौधों से जो है वो मिलकर बना हुआ होगा। कौन सा, TKM9। तो नाम अपने हिसाब से रख देते हैं, वही जो है वो आपको मैंने बताया ना, गेहूं का नाम जो 305, 502 ऐसे जो नाम रख देते हैं उसको जो है वो बोलते हैं, वही नाम अपने हिसाब से रख देते हैं वैज्ञानिक। इंटरवेरिटेल होता है, देखो यहाँ पर जो है वो दो गोभी है, एक वाइट वाली और एक हरी वाली, इसको क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? ये वाली गेहूं गोभी तो आपने सभी खाई होगी, ये वाली ब्रोकली। बहुत अच्छे, ब्रोकली, है ना। तो ये गोभी जो है अपने इंडिया में नॉर्मली मिल जाती है, इसको ब्रोकली बोलते हैं, और इन दोनों की मिक्सचर से जो है वो नई गोभी बनती है ना, इस प्रकार की दिखाई देती है। तो ये जो है सिंपल क्रॉस है, मतलब इन लोग के बीच भी संकरण करवाया जा सकता है, नए प्रकार का संकरण होगा। ऐसे ही फूल के बीच में भी जो है, फूल के बीच में भी संकरण करवाया जा सकता है, जिससे जो है वो नए फूल जो है वो बनने लगेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो नया नए कलर का फूल मिल जाएगा, इसका ब्रीडिंग इससे करवाएंगे तो इस प्रकार का फूल बन जाएगा, है ना। कुछ अलग अलग जो है वो फूलों में भी ब्रीडिंग करवाई जा सकती है, जिससे आपने देखा होगा इस प्रकार के फूल आजकल मार्केट में मिलने लगे, है ना। उन्होंने कैसे करवाया होगा, पहले जो है वो पहले देखना, पहले कैसे करवाया, एक वाइट लिया एक पिंक लिया, ये नॉर्मली प्रकृति में थे, इन दोनों का जो है संकरण करवाया आपस में जो है, इन दोनों का मतलब इसका मेल पार्ट लिया इसका फीमेल पार्ट लिया, या इसका फीमेल पार्ट लिया इसका मेल पार्ट लिया, उन दोनों को मिलाया, मिलाया तो नया फूल बना जिसका कलर कुछ ऐसा था, अजीब सा भद्दा सा दिख रहा था। लेकिन अब इस भद्दे से दिखने वाले फूल का संकरण फिर से एक पार्ट से करवाया, कुछ से पिंक वाले से करवाया जो प्रकृति में मौजूद था। तो अब होगा क्या, इसके अंदर गुण जो पहले वाले के छुपे हुए थे ना, वो दिखाई जरूर नहीं दे रहे थे, उसको अप्रभावी गुण बोला जाता है, वो दिखाई जरूर नहीं रहे थे, लेकिन थे इसमें गुण। अब क्या करेगा, इन दोनों से जो नया फूल बनेगा उसमें क्या होंगे, इसके दोनों के गुण, जो जो पहली पीढ़ी थी ना उसके दोनों के गुण होंगे, मतलब पिंक भी होगा और व्हाइट भी होगा। तो ये खूबसूरत सा जो है वो पौधा हमको दिख जाएगा। ऐसे ही फसलों में भी किया जाता है और फूलों में और फलों में सब जगह किया जाता है। तो आई होप आपको संकरण समझ में आ रहा होगा, है ना, कि संकरण जो है वो क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, जिससे जो है वो हम अपने इच्छा अनुसार उसमें जो है वो गुण मिला सकें, जो कि अभी हम बुक में भी देखने वाले हैं। अब रियल में देख लेते हैं कि संकरण कैसे किया जाता है, उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है यहाँ पर, गेहूं में संकरण कैसे करते हैं, है ना। इसमें जो है ये पौधा जो है अभी पूरी तरह से जो है वो देखो यहाँ पर जो है वो फूल बन चुका है, तो ऐसा ऐसे पौधे में संकरण नहीं करवाया जा सकता,
यहाँ पर जब इसका अंकुरण चालू हो गया है, फूल फटने लगा है, मतलब गेहूं बनने लगा है, तो ऐसे बीज का जो है संकरण नहीं करवा सकते जो फूल बन रहा होता, जैसे ये वाली बाल है, इसमें अभी कुछ भी फूल नहीं फटा हुआ है और जो है इसको इसको संकरित किया जा सकता है। तो गेहूं की बाल है ये, है ना। तो ये क्या करते हैं, इसकी पूंछ को जो है वो सबसे पहले अलग कर लेते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना इसको ध्यान से जो है वो अलग कर लेते हैं। अब ये जो इसका स्टार्टिंग में जब गेहूं नहीं बना हुआ है और जब इसको ये अलग अलग करते जाते हैं, इसकी ऊपरी परत को हटाते हैं, तो इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों पार्ट रहते हैं, है ना। ये काट रहे हैं ना, जो इसको काटने क्यों काट रहे हैं, ताकि जो है वो फीमेल पार्ट तक पहुंच सके, इसके इस पौधे के फीमेल पार्ट तक पहुंच सके। और फीमेल पार्ट से के बाद जो है वो ये जो है वो कुछ इसका एक पार्ट रिमूव करते हैं। देखो इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज करी है वो बायो की टर्मिनोलॉजी है, और मैं बायो का स्टूडेंट हूँ नहीं, इसलिए मैं आपको उस टर्मिनोलॉजी के बारे में बता नहीं पाऊंगा कि क्या होती है वो, है ना। लेकिन अभी केवल मोटा माटी बात देख रहे हैं अपन, तो इसमें से क्या कर रहे हैं, वो फीमेल पार्ट को जो है वो उसमें से जो अनावश्यक चीज है उसको निकाल दे रहे हैं, जिसके फीमेल पार्ट जो है इस पौधे का बाहर आ जाए, फीमेल पार्ट बाहर दिखने लगे, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये पूरे पौधे में से हटा ले रहे हैं, पूरे पूरे पौधे में से फीमेल पार्ट के, फीमेल पार्ट वहीं पर है जो उसमें फीमेल पार्ट के दिखने में बाधा हो रही थी, उसको निकाल लिया उन्होंने, उसको अलग कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है वो इसको जो है एक पॉलिथीन से ढक देते हैं, ताकि जो है वो डस्ट पार्टिकल उसमें ना चले जाए या फिर डस्ट वगैरह ना चले जाए, उसको एक पॉलिथीन के बैग से जो है उन्होंने ढक दिया। अब उसके बाद इस पौधे के साथ दूसरे पौधे जिसका संकरण करवाना हो, है ना, दूसरा पौधा जिसका संकरण करवाना हो, उसको यहाँ पर जो है वो लेते हैं, उसको यहाँ पर लेते हैं। ये देखो इन्होंने दूसरा पौधा लिया हुआ है और इसका क्या कर रहे हैं, वो मेल पार्ट ले रहे हैं, अब इसका जो है वो मेल पार्ट ले रहे हैं, और मेल पार्ट में क्या होंगे, परागकण होंगे, उसका उसको क्या करेंगे, वो इस बीज के साथ जो है वो थोड़ा सा उसको ऊपर गिरा देंगे, इसको थोड़ा सा छील लिया उन्होंने ताकि मेल पार्ट दिखने लगे, है ना। उन्होंने अभी शायद मेल पार्ट अलग कर दिया था उस पौधे का, इसका मेल पार्ट यहीं पर लगे रहने दिया उन्होंने, है ना। उसको थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर रख दिया, और उस इसी बीच जो है वो पॉलिथीन से जो ढका हुआ था पौधा, इसका मेल पार्ट इन्होंने निकाल लिया, मेल पार्ट निकाल लिया इसका, और इस पर क्या कर रहे हैं आप, इसकी पॉलिथीन को हटाया, और जो इसका ये जो था इसको जो है इसको रगड़ेंगे, इसके ऊपर इसका मेल पार्ट कहाँ गिर जाएगा, जो परागकण होंगे वो कहाँ गिर जाएंगे, इसके फीमेल पार्ट पर गिर जाएंगे। इसी को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, यदि आप क्या करो, उसको जो है वो पॉलिथीन से ढक दो और नीचे जो है वो स्टेपल कर दो या पिन कर दो, और ऊपर से क्या करो, पॉलिथीन को थोड़ा सा काट दो, ऊपर से पॉलिथीन को काट दो, और फिर क्या करो, ये जो दूसरा फूल था, दूसरा जो मेल फूल जिसका हमको मेल पार्ट डालना था इसके अंदर, उसको बंद करने के बाद इसके अंदर ऐसे छिड़क दो, ऐसे घुंघराएंगे तो क्या होगा, मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट पर गिरेंगे और इसको जो है वो पैक करके रख देंगे। अब इसको पैक करके रख देंगे तो क्या होगा, इनके बीच में प्रोसेस होगी, मतलब वही जो प्रजनन होगा, प्रजनन होगा तो नया फूल बनेगा, नया फूल बनेगा, और फूल के बाद जो है वो नया बीज बनेगा, और जो नया बीज बनेगा ना उसमें जो है इसमें ये वाला जो गेहूं है इसके गुण तो होंगे ही, साथ साथ जो इन्होंने मेल पार्ट डाले ना उसके गुण भी होंगे, तो दो गुण मिलकर जो है वो नया बीज बनाएंगे। नया बीज बनेगा तो उसमें जो है वो दोनों के गुण होंगे, पुराने वाले उसमें जो लगा हुआ था वो भी, और जो अलग से वाला वो भी, और जो नया बीज होगा उसमें ज्यादा जो है वो पावरफुल होगी, दोनों के गुण के साथ पैदा होगा तो वो ज्यादा पावरफुल होगा, जाहिर सी बात है ना। इस प्रकार से नई फसल उगाई जाती है, नए गेहूं की किस्में, इसको बोलते हैं किस्म, किस्में नई गेहूं की किस्में जो है वो उगाई जाती है, इसको बोलते हैं संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो फूलों में भी होता है, फलों में भी होता है, सब्जियों में भी होता है, सभी जगह जो है ये हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चल रहा है और होता है। गेहूं गोभी का उदाहरण लिया, कलर वाले जो शोपीस वाले फूलों के आते हैं उसके उदाहरण भी आपने देखे। तो आई होप आपको संकरण समझ में आया होगा, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा, कैसा होता है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, है ना। ये वीडियो पड़ा रहेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर और देखना है तो आप बिल्कुल यूट्यूब पर देख सकते हो, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, और कुछ भी डाउट आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा, ये किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं जो कि जिम्मेदार हैं, किस लिए इसको करवाया जा रहा है, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन किया जा रहा है वो किस कारकों पर निर्भर करता है, किस लिए कर रहे हैं हम, है ना। तो पहला, उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि हमारे पास जितनी जमीन है उसमें ही हम ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकें, तो पहला कारण ये है। उन्नत किस्में, फसल की उत्पाद की गुणवत्ता, मतलब कि वही बात, जैसे दाल प्रोटीन के लिए खाते हैं, अगर दाल में प्रोटीन ही नहीं होगा तो क्या मतलब की, है ना, तो वो क्वालिटी रहना चाहिए उसमें, गुणवत्ता बनी रहना चाहिए उस फसल में, गेहूं हो, दाल हो, कोई सा फल हो, कुछ भी हो,
उसमें जो जिस चीज की मात्रा चाहिए हमको वो बनी रहे, वो बनी रहना रहना चाहिए, जिसके लिए जो है वो हम उसको जो है वो हाइब्रिड करते हैं, जिसके कारण से उसमें जो हमारे लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो जो है वो उसमें बनी रहे। अच्छा, इसके बाद जो है जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता, जब हाइब्रिड कर देते हैं हम तो उसमें जो नया पौधा बनता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। अगर पुराने जीव में, मतलब जो गेहूं था उसमें अगर कीड़ा लग जाए तो हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है, चांसेस हैं कि वो मर जाएगा, लेकिन जो नया पौधा बना जिसमें दो पौधों के गुण है उसमें जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो ज्यादा होगी, और उसमें जो है यदि कोई कीड़ा आक्रमण करता है तो वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, है ना। तो एक तो जो हो जाता है ये हो जाता है कि जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता जो है उसकी बढ़ जाती है, जिससे वो आसानी से नहीं मरता है और जो है वो फसल की किस्म में सुधार होता है और ज्यादा फसल उत्पादन ज्यादा होता है। इसके बाद जो है परिपक्वन काल में परिवर्तन। अब जो हमारे जो पेरेंट्स होते, पेरेंट्स फसल होती है, मतलब जैसे गेहूं की जो पुरानी फसल थी, हो सकता है उसको उगने में ज्यादा समय लग रहा हो, है ना, लेकिन जो नई फसल बनेगी ना उसमें चांसेस हैं कि वो जो परिपक्वन काल रहेगा, मतलब कि नई फसल बनने का काल रहेगा, वो जो है वो कम हो जाएगा। एक और इसमें उदाहरण है, जब हम गेहूं उगाते हैं या फिर कोई फल फ्रूट वगैरह उगाते हैं तो उसके बीज में उगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम अगर ज्यादा हवा चल गई या फिर बारिश हो गई ज्यादा, तो वो बीज मर जाता है ना। अगर देखो, खुद सोचो, अगर हमने संतरे का बीज लगाया, उसमें पौधा बनने में अगर 2 महीने लग गए, मान लो पौधा बनने में 2 महीने लगे, उस बीच या तो कोई पशु पक्षी खा लेगा उसको, या फिर पानी ज्यादा गिर जाएगा तो वो सड़ के खराब हो जाएगा पौधा। और वही चीज अगर एक हफ्ते में जो है वो एक थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसका तना थोड़ा सा स्थिर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, पानी तेज गिरेगा भी ना तो वो स्थिर रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलते हैं परिपक्वन काल। परिपक्वन काल मतलब कि पौधा अपने आप में स्थिर हो जाना, वो थोड़े बहुत चैलेंजेस से, प्रकृति में थोड़ी बहुत हवा तेज चल रही उससे नहीं मुरझाएगा, उससे नहीं खत्म होगा, तो परिपक्वन काल कम हो जाता है ना। अगर हम हाइब्रिड करते हैं पौधे को तो परिपक्वन काल में जो है वो कमी आ जाती है, जिससे पौधा जो है वो आसानी से मरता नहीं है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो फसल उत्पादन होता है वो ज्यादा होता है ना। इसको जो है वो हम परिपक्वन काल में करते हैं। व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता मतलब कि जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ी बहुत ठंड पड़ गई तो फसल खराब हो गई, या ओलावृष्टि हो गई तो फसल खराब हो गई, क्यों, तापमान में परिवर्तन के कारण से, क्यों उसमें जो है वो अनुकूल नहीं है, वो तापमान के अनुकूल नहीं है, अगर उसको थोड़ा बहुत भी ठंडा तापमान मिल गया तो वो सहन नहीं कर पाएगा और जो है वो खत्म हो जाएगा पौधा, है ना। इसलिए जो है वो नई जो हाइब्रिड करने के बाद नया पौधा बनता है वो अनुकूल होता है, तापमान में थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो झेल लेगा और जो है वो फसल उत्पादन बना रहेगा, है ना। फिर उसके बाद ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी एवं सघन शाखाएं के ऐच्छिक गुण है, तो ये ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण पे जो है वो क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या होता है। अब कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें जो है वो तना ज्यादा चाहिए पड़ता है, जैसे उदाहरण के लिए गाय भैंस के लिए चारा चाहिए पड़ेगा, चारा चाहिए तो चारे की घास होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, अब वो जो घास होती है उसके लिए जो है वो कितनी भी बड़ी हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन जैसे उदाहरण के लिए गेहूं हो गया, तो हमें जो गेहूं उगता है, गेहूं देखा होगा आपने बालों पर उगता है, अब सोचो वो बाले अगर ज्यादा लंबी होंगी, ज्यादा लंबी होंगी तो जो पौधों के पोषक तत्व रहेंगे वो पोषक तत्व उसके तने में ज्यादा चले जाएंगे और फल में थोड़े बहुत ही रहेंगे, क्योंकि देखो इतनी बड़ी उसकी तना है, यदि उसके बाद फल आ रहा है इतने बड़े, उसको बड़ा करने के लिए भी तो पोषक तत्व लगे ही होंगे ना, तो उसके हम वो खाते हैं कि हम नहीं खाते, हम तो केवल ऊपर वाला हिस्सा खाते हैं, वो पोषक तत्व वेस्ट हो गए, तो हम क्यों ना ऐसे ऐसे गुण विकसित करें पौधे में, जैसे गेहूं में हमको लंबा पौधा नहीं चाहिए, हम जो है वो चाहें कि उसके तना जो है वो छोटा ही रहे, हम ऐसे पौधे बना सकते हैं संकरण के माध्यम से जिसके तने छोटे रहेंगे और फल जल्दी से उग जाएंगे, है ना। ऐसी फलों के केस में हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, घरों में जो है वो नींबू लगने में बहुत साल लग जाते हैं, कई सालों बाद जो है वो नींबू के पेड़ में जो है वो फल आना शुरू होते हैं। हाइब्रिड पौधे में क्या होता है, आप हाइब्रिड पौधा लगाओ, पौधे एक इतना ही बड़ा पौधा होगा, इतना ही बड़ा पौधा होगा और उसमें नींबू आने लगे। नींबू तो छोड़ो, आम भी, आम यदि हम हाइब्रिड में आम लगाते हैं तो हाइब्रिड वाले आम जो है वो बहुत जल्दी उगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिड वो बताता हूँ मैं आपको हाइब्रिड फ्रूट्स, ये देखो स्ट्रॉबेरी के लिए जो है वो गमलों में लगा रहे हैं स्ट्रॉबेरी, है ना, ये ऑरेंज लगे हुए हैं गमलों में, नहीं तो पेड़ लगते हैं इसके, देखो कितने छोटे छोटे पौधे हैं इसके, ज्यादा बड़े पौधे हैं, नींबू देखो गमलों में लगे हुए हैं नींबू,
इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बीज देखो जाम लगे हुए हैं, कितने सा गमले में पौधा लगा हुआ, इतने बड़े बड़े जाम लग रहा है कि नहीं, ये संकरण के माध्यम से पॉसिबल हो पाया। देखो कितने बड़े जाम है ना। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, देखो घरों में गमलों में लगी है कि नहीं, बिल्कुल लगी हुई है। और यहाँ पर जो है वो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, हाइब्रिडाइजेशन से पॉसिबल हो पाया। तो ये जो है वो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं हाइब्रिड पौधों के, आप देख सकते हो। कभी भी मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ इसको, कि जाम लगे हुए हैं छोटे छोटे पौधों में, जाम लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है ये पता नहीं कौन सा बीज है, नींबू लगे हुए हैं ढेर सारे, नींबू का पौधा देख रहे हो। तो ये सभी हाइब्रिडाइजेशन के, अनार लगे हुए हैं देखो, अनार छोटे से पौधे में अनार लग गए हैं, नहीं तो नॉर्मली इसको जो है वो पेड़ चाहिए पड़ता है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करें, तने की जो है वो मात्रा कम कर दें, फल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो इस कारण ये किस कारण से पॉसिबल हो पाएगा, हाइब्रिडाइजेशन के कारण। जबकि चारे में हमको क्या चाहिए, फल नहीं चाहिए हमको, चारे में क्या चाहिए, उसकी लंबाई चाहिए। तो हम जो उसको इस प्रकार से बनाएंगे कि उसकी लंबाई ज्यादा हो, फल नहीं भी मिले तो चलेगा, क्योंकि चारा जो है वो पशु के काम आता है, पशु फल वगैरह नहीं खाते, उनको चारा ही चाहिए पड़ता है ना। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के कारण से पॉसिबल हो पाता है। इसको ही बोला जाता है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, मतलब कि हमको जो गुण चाहिए पौधे का, वो हम जो है वो इच्छा के अनुरूप उस पौधे में डाल सकते हैं। इसको बोला जाता है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली मैंने आपको बहुत कोशिश करी सारी चीजें समझाने की। किसी को कुछ डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है। आज की क्लास यहीं खत्म कर रहा हूँ।